9 महीने बाद आपको बता दें कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक हुई और असंतुष्ट नेताओं का सोनिया से आमना सामना हुआ तो सोनिया ने तमाम हमलों के दो टूक जवाब दिए। असंतुष्ट नेताओं के गुट G23 लगातार स्थायी अध्यक्ष की मांग करता रहा है। आज सोनिया ने तमाम आरोपों के दो टूक जवाब दिए। सोनिया ने कहा कि उन्होंने हमेशा फुल टाइम अध्यक्ष की तरह ही काम किया है, उन्होंने कभी सामाजिक महत्व के मुद्दों को नजरअंदाज नहीं किया, वो पार्टी में संवाद की हिमायत रखी है और किसी को उनसे मीडिया के जरिए बात करने की जरूरत नहीं है। तो आपको बता दें कि अपने संबोधन में सोनिया गांधी ने कुछ बातें बहुत ही स्पष्ट कर दी। उन्होंने कहा कि सामाजिक न्याय के मुद्दों को कभी भी नजरअंदाज उन्होंने नहीं किया। उन्होंने कहा कि फुल टाइम अध्यक्ष के तौर पर मैंने काम किया है क्योंकि स्थायी अध्यक्ष ना होने से नुकसान, ये कहा था कपिल सिब्बल की तरफ से और बड़े बड़े नेताओं की तरफ से, G23 के नेताओं की तरफ से यह आरोप लगा था, जिसके जवाब में सोनिया ने जवाब दिया, नेताओं के सुनने वाला कोई नहीं है, मीडिया के जरिए बात करने की जरूरत नहीं है, ये कहा सोनिया गांधी ने। आनंद पटेल हमारे साथ जुड़े हुए हैं कांग्रेस दफ्तर से। आनंद, और क्या कुछ बातें सामने आ रही है? अपने संबोधन में सोनिया गांधी ने ये बातें तो कह दी और जवाब तो दे दिया मीडिया के थ्रू, लेकिन खुद कांग्रेस के अंदर जिन लोगों ने ये सवाल उठाया है उनको संतुष्ट कर पाना आज भी एक बड़ी चुनौती। नहीं, निश्चित तौर पे देखिए G23 के नेताओं ने लगातार गांधी परिवार और पार्टी नेतृत्व पर निशाना साधा है और हाल ही में करीब दो हफ्ते पहले कपिल सिब्बल ने जिस तरीके से बयान जारी किए, कहा था कि पार्टी में जी हुजूर कल्चर है, उसको लेकर के काफ़ी बवाल मचा और उसी के बाद ये CWC की मीटिंग बुलाई गई और ये कहा जा रहा है कि आज की जो मीटिंग है उससे तीन बातें बहुत स्पष्ट हो चुकी हैं ये कि जो पार्टी में जो नेतृत्व है वो पूरी तरीके से कंट्रोल में है, क्या चल रहा है पार्टी के अंदर और क्या आगे की रणनीति है उसको लेकर के पार्टी नेतृत्व गांधी परिवार पूरी तरीके से कंट्रोल में है और सोनिया गांधी ने साफ कह दिया कि अगर किसी को भी मुझसे बात करनी है तो मीडिया के थ्रू बात ना करें, मैं फुल टाइम प्रेसिडेंट हूँ, भले ही पार्टी ने अंतरिम अध्यक्ष बनाया हो लेकिन मैं फुल टाइम काम करती हूँ, दो टूक जवाब दिया। और साथ ही साथ जो संगठनात्मक चुनाव को लेकर के जो एक तरह से संशय बना हुआ था उस पर भी उन्होंने बहुत साफ कह दिया कि चुनाव होंगे और पिछले साल ही रूपरेखा तय कर दी गई थी लेकिन चूंकि कोविड आ गया था इसकी वजह से ये टल गए थे, लेकिन आज जो टाइमलाइन है चुनाव की कि कैसे होंगे, कब होंगे, कब तक नया अध्यक्ष होगा, इसकी पूरी जानकारी दे दी जाएगी। 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस है श्वेता और तब सारी स्थिति जो है वो स्पष्ट हो जाएगी, लेकिन एक ये कह लिया जाए कि आज की CWC के बाद एक बार फिर गांधी परिवार और सोनिया गांधी ने ये साबित कर दिया कि पार्टी पे उनकी मजबूत पुरजोर तरीके से है और जो गांधी परिवार चाहेगा वही कांग्रेस पार्टी में होगा। बिल्कुल, साथ ही साथ जानना चाहेंगे, इसके अलावा बताया जा रहा था कि और भी कई मुद्दों को उठाकर यहां पर आगे रणनीति तैयार की जाएगी सरकार को घेरने की, तो अंदर से और क्या कुछ खबरें आ रही है आनंद, वो कौन कौन से मुद्दे हैं जिस पर अभी चर्चा चल रही है? जी देखिए, जहां तक किसान कानूनों की बात है उस पर सोनिया गांधी ने साफ कहा कि ये काले कानून है और लखीमपुर में जो कुछ हुआ वो बीजेपी की मानसिकता को दर्शाता है। इसके अलावा आर्थिक मोर्चे पर भी सोनिया गांधी ने सरकार को आड़े हाथों लिया। सोनिया गांधी की तरफ से कहा गया कि सरकार सिर्फ बेचो बेचो और बेचो की रणनीति पे काम कर रही है, जो PSUs हैं, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं, उनको बेच करके सरकार जो है काम चला रही है, अर्थव्यवस्था चला रही है और लोग जो हैं परेशान हैं क्योंकि पेट्रोल डीजल के दाम 100 रुपये को पार कर गए, गैस सिलेंडर 900 रुपये को पार कर गया। तो साफ तौर पर सोनिया गांधी ने कई मोर्चों पर सरकार को घेरने की कोशिश की, चाहे वो चीन का मुद्दा हो जिस पर उन्होंने कहा कि सरकार साफ गोई नहीं बरत रही है, लोगों को सही जानकारी नहीं दी जा रही है। इसके अलावा कोविड पे भी उन्होंने सरकार को घेरते हुए कहा कि जब विपक्ष ने आवाज उठाई तब जाकर के सरकार को अपनी रणनीति बदलनी पड़ी। तब अंदर और क्या क्या डिटेल्स हैं वो आप नजर बनाए रखें आनंद, आगे भी इस मामले में आपसे हम जानकारी लेंगे।